तो दोस्तों मैं हूं हरिंदर डेयरी फार्म जो लुधियाना पंजाब के अंदर है। आज के इस वीडियो में क्या बनाने का मकसद क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ब्रीड पे काम हम नहीं करेंगे, ब्रीड पे काम करेंगे तो कैसे हो पाएगा, कैसे मुमकिन है। आज सिर्फ ब्रीड पे बात चलेगी क्योंकि जो यहाँ के ओनर साहब है वो AI खुद करते हैं और अपने फार्म की काफी बढ़िया ब्रीड को सुधारा है। तो आइए मैं यहाँ के ओनर साहब से मिलवाता हूँ और पूरी जानकारी लेते हैं। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता। तो हरिंदर भाई हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? बढ़िया। सबसे पहले ये फार्म का एड्रेस बता दें। मेरा गांव है सवद्दी कला, जिला लुधियाना, तहसील जगरा। ओके, अब अपनी जर्नी बताएं सर, कितने दिन से आप फार्मिंग लाइन में हैं? आपने बताया कि मैं खुद AI टेक्नीशियन हूँ, आप AI खुद करते हैं, ब्रीड पे खुद काम करते हैं, कितने दिन से इस जर्नी में आए? मैं 2012 से लगभग ब्रीडिंग का काम कर रहा हूं। ओके, 2012 से आप इस लाइन में आए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं पहले से कुछ ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता। ओके, और 2012 मैंने ब्रीडिंग का AI का काम स्टार्ट किया, तब से लेकर मैं आज तक ब्रीडिंग का काम कर रहा हूँ। और मैं पहले से कोई बहुत ही ज्यादा अच्छी गाय नहीं खरीदी थी। Okay. मैंने कोई 3500 की, कोई 4000 की गाय, कोई 4 लीटर दूध वाली, कोई 5 लीटर दूध वाली, जिसको लोग कहते हैं ये रहती नहीं है, खराब है, वही तरह गाय लिया था। Okay. उससे मैंने PDFS सीमन लेकर अच्छा 61 सीमन यूज कर करके लगभग हर साल मैं 61 सीमन यूज करता हूँ, ऐसी ब्रीड तैयार की है 61 सीमन यूज कर। कितने दिन से आपको फार्म करके हो गया? मेरे को लगभग 2012 से मैं पशु रख रहा हूँ। 2012 से आपने पशु भी रखा और साथ साथ में AI का भी काम की? हाँ जी। ओके, अब मुझे बताएं कि आपने कितने पशु से शुरुआत की थी? मैंने 3 गाय से स्टार्ट की थी, 3 गाय लिया था पहले, एक 4000 की लिया था। ओके। एक 10000 की, एक 8000। मात्र 4000, 8000 और 10000, ये 3 गाय से? अभी वो गाय है इस फार्म पे? नहीं, वो पहले सेल कर दी। सेल कर दी उसको, उनसे बच्चे लिए, फिर आगे बच्चे लिए, ऐसे ब्रीड तैयार करते गए। जो 4000, 8000, 10000 की थी वो कितनी दूध वाली क्षमता की थी? मैंने वो ली थी, जब मैंने ली थी तब 4 लीटर दूध था, 5 लीटर दूध था बस। अगर वो ब्याज जाएगी, वो ब्याजती होगी तो कितना दूध होगा आपके अंदर? उन्होंने दिया 20 लीटर के पास, लगभग 20 लीटर वाली से आपने शुरुआत की थी। जैसा कि सर आपने बताया कि 20 लीटर वाली से आपने शुरुआत की थी, 20 लीटर वाली गाय में आपने फर्स्ट डोज जो डाला आपने 2012 की बात जो आप कर रहे हैं, उसमें कौन सा सीमेंट डाला? तब मैंने PDFA ने सीमेंट दिया था अपना, ABS का जेब्रा सीमेंट। जेब्रा, ABS का जेब्रा पहले वो यूज किया था, फिर जैसे जैसे PDFA हर साल अपना नया सीमन मंगाती गई, उनकी पैडिग्री चेक कर बस बेस्ट यूज करते गए लगातार। यानी कि मेन बात तो यह है, जो हमारे एरिए में, हमारे ज़िले में जो लोगों के पास 60 लीटर 65 लीटर वाली गाय तैयार हो रही है, उनकी देन PDFA के प्रधान सरदार दलजीत सिंह को जाती है, उनकी वजह से आज लोगों के पास इतनी अच्छी ब्रीड पैदा हो रही है। बिल्कुल, मैं PDFA का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो पंजाब में एक फेडरेशन चला रहे हैं और किसानों को जागरूकता, खुद ये प्राइवेट संस्था है ना सर PDFA, तो मैं PDFA से गुजारिश भी करूँगा कि आप इस PDFA को, जैसे सर पंजाब डेयरी एसोसिएशन ऐसे कुछ है इनका पूरा फुल फॉर्म, मैं चाहूँगा कि सर PDFA वाले से मैं बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस चीज़ को हर राज्य में करें ताकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो दूध की क्षमता है काफ़ी कम है, जितना हमको ज़रूरत है दूध इंडिया में उतना पैदा नहीं होता, काफ़ी नकली दूध बनते हैं। तो ये हर जगह का किसान जागरूक होंगे और दूध पे काम कर सकेंगे। तो सर आपने जैसा कि बताया कि आपने PDFA से सीमेन ले कर आज आप इस मुकाम पे हैं, तो सबसे पहले जो आपके हाथ में जो मैं बछड़ी देख पा रहा हूँ, इसके बारे में बताएं कि ये कौन से बुल की है? इसकी उम्र अब 5 मंथ के आसपास है। मात्र 5 महीने की बछड़ी है जो लगभग 150 प्लस होगी वजन, उम्मीद है होगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 150 kg की होगी समथिंग, मात्र 5 महीने की बछड़ी है। ओके, ये कौन से बुल की है सर? ये वर्ल्ड वाइज का था, BQ वर्ल्ड वाइज का सेक्सुअल सीमन। हाँ जी, मैं सारा सेक्सुअल सीमन यूज करता हूँ। इस वो भी 2 बच्चे आए हैं उधर, फीमेल का आप अभी 3-4 गाय और सुने वाला है, सब फीमेल का आप भी आएंगे, सब सेक्सुअल सीमन आप यूज करते हैं ताकि आप ब्रीड में जल्दी आगे जाएं। हाँ जी, हाँ। ओके, इसकी माँ क्या थी? और इसकी माँ लाइन में मुझे डालने वाले मेन है गुरदीप सिंह, इससे वाले वो मेरे एक तरह के भाई ही लगते हैं। वैसे तो मैं 2012 में उनके फार्म पे काम करने के गया था। ओके, लेकिन उन्होंने मेरे को ऐसी ऐसी नॉलेज दी कि मैं अच्छी ब्रीडिंग करने लगा और अच्छा सीमन यूज करने लगा। इस लाइन में, ब्रीडिंग की लाइन में डालने वाले मेरे मेन वही है, मैं उनको भाई बोल लूँ, अस्तार बोल लूँ, यानी मेन वही है। ओके, उन्होंने आपको सपोर्ट किया और आज आप इस मुकाम पे हैं। हाँ जी। ओके, अभी आपके पूरे फार्म पे कितनी गाय और बच्चे हैं?
हमारे पास अभी 7 गाय हैं और जे 2 बच्चियां हैं, एक उधर खड़ी है, एक जे और 2 वो नई बच्ची, दो बच्चा जनी है और 2 भैंस भी देख पा रहा हूँ सर मैं आपके फार्म पे। भैंस की भी ब्रीडिंग कर लेते हैं हम। भैंस हमने वो भैंस जो लास्ट में खड़ी है, ये जो भैंस है ये गाभिन भी नहीं है और दूध भी नहीं दे रहे हैं, फिर भी मैंने इसको 60,000 में लिया है। ओके, इसको गाभिन करेंगे, इससे 80 ब्रीड पैदा करेंगे, इसीलिए 60,000 रुपए में आपने खरीदा है। दांत में कितनी है ये? अभी ये दांत में नहीं है, लगभग जवान हो गई है। 2 दांत हो गई होगी? नहीं, जवान हो गई, मतलब 6 दांत कंप्लीट। 6 दांत कंप्लीट, इससे उम्र का अंदाजा लगभग 3-4 साल के बीच होगा। इसने एक बार बच्चा दिया, एक बार इसने बच्चा दिया। ओके, मालिक के पास दोबारा गाभिन नहीं हुआ। ओके, दूध भी देने हट गया, हमने इसको 60,000 में खरीद लिया, नहीं तो फार्म ने इसको कट्टे वाले को दे देता। हाँ, इसलिए हम अच्छा लगा, हमने ले लिया। तो आपने 60,000 रुपए में सिर्फ इसलिए खरीदा है कि आप इससे ब्रीडिंग कर सकें। हाँ जी, हाँ जी। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपने बताया 7 गाय और लगभग 2 बड़ी बछड़ी और 2 छोटी बछड़ी। हाँ, 7 गाय से अभी कितनी गाय दूध पे है सर? अभी ये 3 गाय दूध देती है और 2 वाली गाय आज सुबह हुआ है, आज सुबह बच्चा दिया। सर ये 3 गाय जो है आपका, जो मैं देख पा रहा हूँ, ये तीनों गाय कितने दिन पहले बच्चा दिए? ये गाय को बच्चा दिए 5 महीने हो गए, वो जो आपने पहले फीमेल का आप देखा उसी की माँ है। जब ब्याती है तो इसका दूध कितना रहता है? आपके फार्म की गाय है ये? जब ये ताजी सुई हुई थी 40 लीटर दूध था, ये 2 मंथ की प्रेग्नेंट है और इसके 24 लीटर दूध है। 2 मंथ की प्रेग्नेंट भी हो गई है, 5 महीना पहले इसने बच्चा दिया, अभी 24 लीटर दूध है। जब ब्याती है और तब 2 दांत है, मात्र 2 दांत है, यानी फर्स्ट लैक्टेशन की ये सेकंड बार प्रेग्नेंट हुई, आपके खुद के फार्म की बछड़ी तैयार की हुई है। ओके, तो लगभग 24 लीटर सर इसका दूध हो गया। अब इसके बारे में सर बताएं, काफी बढ़िया थन की बनावट वाली आपके पास गाय है, आप इस गाय के बारे में सर बताएं। इस गाय को अभी बच्चा दिए 5 रोज हो गए। ओके, और अभी इसका 20 लीटर दूध है और जो परली साइड छोटा बच्चा बैठा था वो इसका। ओके, और ये इसका बच्चा है वो टबेस्को सीमन का है, टबेस्को 66 सीमन पीडीएफ का सीआरआई का यूज किया था हमने। और आपका खुद ये माँ जो है ये किस सीमन की है? ये गैलेक्सी की। गैलेक्सी की, मतलब ये जो आपका ब्रीड है ये जितना भी आपने सीमन यूज किया है सब पीडीएफ से? हाँ जी, हाँ जी। अदरवाइज कोई भी सीमेन आप यूज नहीं करते हैं? तो सर मैं, आपने जैसा कि बताया कि 3 गाय अभी मिल्किंग पे है और एक अभी अभी जनी है वाइट जो सामने हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये 3 है और एक 3 के 3 से दूध कितना हो रहा है आपके फार्म पे टोटल? अभी तो मेरे हिसाब से 75 केजी के आसपास है, क्योंकि इसको 5 महीने हो गए, उसको अभी थोड़ा दिन ही हुआ है, 2 दिन हुआ है, अभी ये दूध पे नहीं आया ना, अभी तो थोड़ा कमती दूध है, अभी तो ये दोनों वाली गाय का ही दूध है, एक इसका दूध है, एक परली साइड का दूध है, इनका 50 लीटर हो जाता है, उसने तो अभी बच्चा दिया और लगभग 75 के जी के पास चला जाएगा दूध। ओके, जब वो दूध पे जाएगा तो और बढ़ जाएगा, उससे उम्मीद है कि वो 40 लीटर के आसपास अभी दूध निकालेगा। वो जो वो 40 लीटर तक दूध करेगी? हाँ जी, वो अभी दूध दादी है, 2 ही दांत की है, दूध दांत खीरी है, खीरी में बच्चा दे दी फर्स्ट लैक्टेशन में। हाँ जी, हाँ जी। ओके, आपके फार्म की ये होगी? हाँ जी। ओके, अगर सभी गाय बच्चा दे देते हैं तो कितना टोटल दूध हो जाएगा, या फिर पिछले बार कितना दूध था? लगभग 150 केजी के आसपास हमारे पास दूध हो जाता है। ये कितने महीने तक चलता है सर 150 केजी? लगभग 5-6 महीने के पास, 5-6 महीने 150 केजी चलता है, प्रेग्नेंट हो जाता है पशु, फिर कम होने लगता है दूध। ओके, इनको खिलाने में क्या कॉस्ट आ जाता होगा सर, सभी टोटल पशु को? खिलाने का तो मैंने कभी आइडिया नहीं लाया, क्योंकि मैं आप खुद यही और ब्रीडिंग का काम गांव-गांव जाकर करता हूं, वो सब मेरे फादर साहब डालते हैं इनको, उनको मालूम होगा। अच्छा, आपके फार्म का जो सिर्फ काम यहाँ पे है पूरा करना हर एक चीज को, क्या खिला रहे हैं वो फादर साहब, पूरा डिटेल्स उनके बारे, मतलब कितना इनसे बच रहा है या कितना दूध आ रहा है, सारा फादर साहब रखते हैं? ओके, आपको क्या लगता है आपका जो हिसाब से आपके पास ब्रीडिंग है, कितना समय लगेगा सर आपको और ज्यादा बढ़िया बेनिफिट्स आने में? बस थोड़ा जगह का कमी है, अब अगली बार इसको हटा के पीछे कच्चा करेंगे, फिर लगभग बस 2 साल में हमारे पास पूरा अच्छा ब्रीड हो जाएगा। 2 साल में और बढ़िया हो जाएगा। और बड़ा करना है फार्म को? ये अभी खीरी है बच्ची। ओके, ये अभी खीरी है, कितने दिन की है ये? ये 18 मंथ की होगी। प्रेग्नेंट? ये प्रेग्नेंट है 7 मंथ की। 7 मंथ की प्रेग्नेंट है। ओके, इसको भी आपका पीडीएफ है सीमेन?
नहीं, इसको सीमेंट जो लगा है वो टबेस्को सेक्सर सीमेंट सीआरआई का पीडीएफ का लगा हुआ है। ओके, ये खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेक्सर सीमेंट सरकार सीआरआई का प्लेट आया था। ओके, ये खुद प्लेट सीमेंट की है। अच्छा, ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है, जब फर्स्ट टाइम ये ब्याएगी, क्या उम्मीद रखते हैं सर इससे? इसकी मतलब पर्लिसाइड करी अभी हम मैंने ड्राई की हुई है। ओके, जब ताजी सुई होती है तो उसके नीचे 40 लीटर दूध होता है। ओके, अब ये उसका बच्चा है, सीमेंट भी अच्छा है, उम्मीद है अभी 35 लीटर के ज़्यादा तो निकालेंगे। 35 लीटर तक फर्स्ट टाइम में निकालने की उम्मीद है। सर, अगर कोई फार्म करना चाहता है बंदा, तो उसको किन बात पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखेगा तो जल्दी आगे जाएगा? सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो सीमेंट है, सीमेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो पीडीएफ के ऊपर हम आँख बंद करके सीमेंट की तरह भरोसा कर सकते हैं, उससे अच्छा सीमेंट मेरे हिसाब से आम फार्मर को कभी नहीं मिलेगा। जो और दूसरी कंपनियां हैं, ऐसा है ना, जो मतलब नया फार्मर है जिसको सीमेंट की नॉलेज नहीं है, वो आँख बंद करके पीडीएफ से सीमेंट ले ले। जिसको नॉलेज है वो तो कहीं से भी ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको नॉलेज नहीं है सीमेंट का, पीडीएफ से लेने के लिए कोई शर्त है? कैसे होगा पॉसिबल? अगर राज्य के हैं हो तो उनकी मेंबरशिप लेना पड़ता है। मेंबरशिप का चार्ज क्या होता है? उनका चार्ज 500 रुपए। 500 रुपए कितने दिन के लिए? और लाइफ टाइम। ओके, उनका एक एफिडेविट लगता है कि वो सीमेंट जो लेता है अपने फार्म पे ही लगे, और उसका बकायदा रिकॉर्ड देना पड़ता है। मतलब नहीं समझा सर, जो सीमेंट पीडीएफ से हम लेंगे, खरीद लेंगे, हाँ जी, वो जिस फार्म, जैसे मैंने मेंबरशिप कार्ड ले लिया, वो सीमेंट ऐसा नहीं भी किसी को बेच दूं, वो मेरे को अपने ही फार्म में लगाना पड़ेगा और उसका बकायदा रिकॉर्ड देना पड़ेगा भी कितने गाय को कितना स्ट्रा लगा और कितने पशु गाभिन हुए नहीं हुए, वो सभी चीज बताना पड़ेगा। दूसरे यानी दोस्त, हमारे दोस्त हैं या फिर पड़ोसी हैं, उनको नहीं लगा सकते सीमेंट? वो अपना खुद का मेंबरशिप कार्ड बनाए, वो अपना बनाए। हाँ जी, हाँ, मतलब सीमेंट आप बेच नहीं सकते। हाँ जी, हाँ, इनका बेचने के वजह से इन्होंने ये शर्त रखी है, है ना? तो इनका कोई कांटेक्ट नंबर होगा जिनसे संपर्क करने के बाद मेंबरशिप लिया जा सकता है? नहीं, अपने नज़दीक में मुल्लापुर गांव में उनका ऑफिस बना हुआ है, वहां पर जाके बस अपना आईडी प्रूफ दो और मेंबरशिप। उनसे और क्या क्या सहायता मिल जाती है? और अपने डेयरी फार्मिंग के प्रोडक्ट आ जाते हैं, मिनरल मिक्सचर आ जाता है, और डेयरी प्रोडक्ट सारे तकरीबन ऑल प्रोडक्ट सभी होते हैं। ओके, मतलब अदर स्टेट वाले कैसे फायदा उठा सकते हैं? अदर स्टेट वालों को तो यहाँ आना ही मुश्किल हो जाता है, अगर कोई आ सकता है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, आना ही पड़ेगा। हाँ जी, ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती समय दी। तो दोस्तों, हमने इस फार्म के बारे में पूरी जानकारी दी। एक चीज हम सर भूल गए आपसे, आप फीड क्या देते? सबसे बड़ा एक मायने रखता है फीडिंग। मैं फीड पहले तो खुद की तैयार करता था, 10 साल लगातार खुद की तैयार की, इस बार थोड़ा गर्म। 10 साल खुद की फीड तैयार करते हुए। ओके, मतलब जब से आपने 2012 से फार्म की? 2012 तो 8 साल के करीब हो गया पहले अपनी फीड डालते हुए, ते अब मैंने तारा फीड डालना स्टार्ट कर दिया। वजह ऐसे कि पहले जो खुद का फीड तैयार करना जाना पड़ेगा, अपना काम छोड़ना पड़ेगा, और तारा फीड का मेरे को रिजल्ट भी अच्छा मिला। ओके, एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि फीड अपना फीड बनाने में कॉस्ट भी तो कम आता होगा सर? कम तो आता है, अगर अपना फीड तैयार करना है ना, उसको रोस्टेड कराना जरूरी है। अगर रोस्टेड मीन्स बुझा हुआ फीड। अच्छा, अगर हम रोस्टेड नहीं करवाते, कच्चा फीड डालते हैं, उससे मस्टाइटिस होने का डर बना रहता है। और जो ब्रांडेड फीडें आती हैं, जैसे गार्गल होगी, तारा होगी, असीस होगी, ये रोस्टेड होने की वजह से मस्टाइटिस की प्रॉब्लम कम हो जाती है। ओके, इनका फीड का रिजल्ट भी बढ़िया आता है। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों, हमने सारी जानकारी सर से ली है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।